मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को इम्फाल स्थित राज मेडिसिटी अस्पताल का दौरा कर मणिपुर यूनिवर्सिटी के घायल छात्रों की सुध ली। वे घायल छात्र नेता शीतल ओयनाम से भी मिले। मणिपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति को बर्खास्त करने की मांग में जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प में ओयनाम का बायां हाथ टूट गया था। बता दें कि पुलिस ने ओयनाम को एक ट्रक की ओर धकेल दिया था, जिससे उसके साथ यह हादसा हो गया। इस घटना को लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि वीडियो क्लिपिंग के आधार पर एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। सभी घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। Without an investigation, normally the government doesn't take any action. But this particular incident, we have analyzed the video footage, and I feel shocked the situation. And immediately, I have suspended one SI and one police constable. This whole expenditure will be by us. त्रिपुरा सरकार स्कूली छात्रों के लिए फिल्म निर्देशन पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रही है। 17 जुलाई से नजरुल कला क्षेत्र में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस तरह के अनूठे कार्यशाला के आयोजन के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की त्रिपुरा इकाई सरकार की मदद कर रही है। यह पहली बार है जब प्रदेश की सरकार स्कूली छात्रों के लिए फिल्म निर्देशन पर कार्यशाला आयोजित कर रही है। इसमें 11 स्कूलों के 55 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। There is a workshop going on parallelly for 60 students. उसमें फिल्म मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक उसमें बताया जाएगा। इट इज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप। अभी इसके बाद हम इन द कमिंग फ्यू मंथ्स इसका एक डिटेल वर्कशॉप भी कराया जाएगा। उसमें क्लास 10-12 के बच्चों को हमने अभी इनवाइट किया है, सो दैट वो थोड़ा टेक्निक समझ पाएंगे। अबाउट 60 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कशॉप। आज से 4 साल पहले 19 जुलाई को गोमती जिले के उदयपुर चनबन इलाके में पुलिस के वाहन ने 3 लोगों को कुचल दिया था। ऐसा कहा गया था कि घटना के समय ड्राइवर नहीं बल्कि नशे में धुत पुलिस अफसर गाड़ी चला रहा था। इस घटना को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अपराधी खुली हवा में सांस ले रहा है। हादसे में गौरी शाह, लक्ष्मी शाह और अजीत दास नामक 3 लोग मारे गए थे। आज भी इनके परिवार न्याय की प्रतीक्षा में है। सरकार की ओर से भी इन परिवारों को ना तो मुआवजा मिला है और ना ही कोई सरकारी नौकरी। कल हादसे के शिकार 3 लोगों की 4th पुण्यतिथि मनाई गई। एक एक्सीडेंट हुआ पुलिस जीपे, वो एक्सीडेंटे तारा मारा गया, किंतु प्रशासन गाड़ी एक्सीडेंट होने पर द्वितीय दिन মানে ডিএম থেকে শুরু করা যারা যারা বড় মানে অধিকর্তা আছে সবাই আসছে আমার বাড়িতে, এবং তারা আশ্বাস দিছে যে আমার কোনো একটা ক্ষতিপূরণ আর সঙ্গে আমার একটা সরকারি চাকরি ব্যবস্থা করব। ওই ইনসিডেন্টের পর এটা নিয়ে একটা কেসও হয়েছে, না আজ অব্দি 4 বছর হয়ে গেল, কেসের কোনো কিছু হয়েছে না, কেসটা এখনও পেন্ডিং, মানে পজিটিভ বাইস জব দেওয়া হয় না বা কোনো কিছু পাওয়া যায় না। मणिपुर सरकार के भाषा योजना और कार्यान्वयन निदेशालय ने गुरुवार को होटल इम्फाल में 79 वर्षीय प्रसिद्ध लेखक अरिबम चित्रेश्वर शर्मा को वर्ष 2017-18 के लिए साहित्य के क्षेत्र में मणिपुर स्टेट अवार्ड से नवाजा। अरिबम चित्रेश्वर शर्मा को उनकी वर्ष 2012 में प्रकाशित उपन्यास अपाइवा लीचिल के लिए मणिपुर साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। अपाइबा लिचिल का अर्थ है फ्लोटिंग क्लाउड्स।
यह पुरस्कार हर साल पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रकाशित सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है। पुरस्कार में एक पट्टिका, एक उद्धरण, 3 लाख नकद और एक शाल शामिल है। खुशी की बात है, हम साहित्य का सदस्य बनकर, लेखक बनकर थोड़ा कुछ हमने साहित्य के बारे में और अलग अलग किस्म का लेखन करके हमने पब्लिश किया। इसी बारे में मणिपुर सरकार का सबसे बड़ा ये इनाम हमको दे दिया था आज। विद ए व्यू टू एनकरेज द मणिपुरी राइटर्स हु आर डिवोटिंग देयर वर्क इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड दिस अवार्ड इज प्राइमरीली मीन फॉर द best book which are published in the last 5 years and it has been chosen by 15 member expert panel